स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो देखिए, मैनेजमेंट इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आर्ट है अगर है तो। तो सबसे पहले आर्ट क्या होता है, हम सबको पता है। जैसे हम क्लास में भी बोलते हैं कि ये स्टूडेंट बड़ा आर्टिस्टिक है, इसमें बहुत ज़्यादा आर्ट है, स्किल है। तो आर्ट बेसिकली क्या होता है कि आर्ट जो है, देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ आपको मैं, आर्ट जो है इट रिफर्स टू अ स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। किसी भी पर्सन के पास जो नॉलेज होती है उसको कितने स्किलफुल तरीके से और कितने पर्सनलाइज्ड वे में उस काम को वो करता है, उसको हम बोलते हैं कि इट इज़ एन आर्ट। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई नॉलेज है तो वो उस नॉलेज को कौन से स्किल से और अपना कौन सा ऐसा तरीका अपनाता है जो वो काम को पूरा कर लेता है। तो अगर ऐसा वो कर लेता है तो हम बोलेंगे कि ही हैज़ अ वेरी स्किल एंड ही इज़ वेरी स्किलफुल। अब ये आर्ट जो है कैसे एक्वायर किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे आर्ट को एक्वायर करने के लिए हमारे पास इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। सबसे पहले तो ये है कि इसको स्टडी के थ्रू एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, 1, 2 एंड 3। तो आर्ट को हम अभी इसमें पढ़ेंगे कि जो आर्ट हैं इसके तीन फीचर्स हैं बेसिकली, और हम देखेंगे कि क्या ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर एप्लीकेबल हैं। अगर ये मैनेजमेंट के अंदर एप्लीकेबल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, और अगर नहीं हो पाते हैं तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो फीचर है ये है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो आर्ट है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। आर्ट में आप देखिए हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी पढ़ाई होती है और उसी को हम लोग स्टडी करके सीखते हैं। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे ही होते हैं, क्या मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाई होती है? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए आपके लिए दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये देखिए, आई होप जानते हैं आप IIM बेंगलोर, ठीक है, ये मैनेजमेंट का कॉलेज है और इस समय प्रेजेंटली नंबर 1 पे चल रहा है। जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो बिना किसी कंट्रोवर्सी के इसको नंबर 1 इस समय माना जा रहा है, अंडरस्टूड। तो ये जो है यहाँ पे आप समझ ही सकते हो, अगर ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो यहाँ पे पढ़ाई होती है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह से देखिए जो सेकेंड रैंक है, IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ये सेकेंड रैंक है और काफ़ी क्लोज हैं दोनों। तो आप देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ाई करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडी। ओके, देन कम्स दिस वन, ओके, आई विल नॉट रिकॉल बाय इट्स नेम, आई विल लीव इट अप टू यू, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको पहचानना है कि ये कहाँ है। ओके, बट मैं आपको क्लू के लिए इतना बता दूं कि ये इस समय थर्ड रैंक है इसका। तो यहाँ पे भी ये भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे भी एडुकेशन दी जाती है, तो यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। तो ये तीन एग्जांपल से ये प्रूव हो जाता है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है और मैनेजमेंट के जो एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं इस समय, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज है? आंसर है यस, मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है, तो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया कि मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पे, सेकेंड फीचर क्या है आर्ट का, ये देखते हैं। कह रहा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए आर्ट की खास बात क्या होती है, हमने पीछे पढ़ा कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होती है, अगर आप देखो ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने काम को किस तरह से कर रहा है, ठीक है, और उसको किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय अपने अपने तरीके से करता है। तो देखिए यहाँ पे द यूज़ ऑफ बेसिक, यहाँ पे हम समझ सकते हैं द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस इट इज़ वेरी पर्सनल कंसेप्ट। तो मैनेजमेंट में देखिए क्या होता है, हर कोई जाके पढ़ाई करता है, ऑलमोस्ट वही बुक्स होती हैं, वही टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जाके मैनेजर काम करने लग जाता है तो वो उसका काम करने का और सोचने का तरीका ही बदल जाता है। आपको मैं
एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, यहाँ तक हमने देख लिया था ये देखिए, मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से देखें ज़रा। ये कोट है नारायण मूर्ति, इन्फोसिस कंपनी, आप फेमिलियर होंगे, आईटी की बहुत ही बड़ी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। इनका क्या कहना है देखिए ज़रा, ये अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति इनका व्यू क्या है। कह रहे हैं कि आर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखिए ज़रा इनका व्यू, ये कह रहे हैं कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को एसेट्स बता रहे हैं इस समय। कह रहे हैं कि हर एक इवनिंग में जॉब करके वो चले जाते हैं और ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी करें जिससे कि इनके एम्प्लॉयज़ वापस बिजनेस में आ जाएं। तो इससे हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह से इनका व्यू है। ये एक तरह से बेसिकली देखा जाए तो इनका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ये है कि ये चाहते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए ज़रा, ये हैं मिस्टर बिल गेट्स, आप फैमिलियर हो। इनका देखो क्या व्यू है, ये कह रहे हैं आई चूज़ लेजी पर्सन्स टू डू अ जॉब, यानी कि हार्ड जॉब ये लेजी पर्सन से कराना चाहते हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं चाहता। तो यहाँ देखिए ये उल्टा है, हार्ड जॉब लेजी पर्सन से कराना चाहते हैं, बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। अब इनका व्यू ये है कि लेजी पर्सन जो है कोई ना कोई अच्छा तरीका ढूंढ निकालेगा काम को करने के लिए। तो ये भी एक, अगर आप देखो तो बहुत ही अलग तरह का व्यू है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ओके, ये इनका जो सोच है ये है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से, मैं एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय के बारे में इनकी क्या सोच है। इनका सोच है कि अगर हम वीक पर्सन को, मतलब लेज़ी पर्सन को रखेंगे तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट निकालेगा और काम को जल्दी से करेगा। फिर एक आता है स्टीव जॉब्स का, देखिए ज़रा, ये कह रहे हैं कि इट डजेंट मेक सेंस टू हायर अ स्मार्ट पीपल एंड देन टेल देम व्हाट टू डू। इनका मानना ये है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्मार्ट पीपल रखना चाहते हैं, तो दीज आर यू नो वेरी पॉपुलर फेसेस एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट, एंड इफ यू लुक देयर एप्लीकेशंस, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट ईच अदर। तो अब आप ये देखो, ये चाहते हैं कि हम स्मार्ट पीपल को लें और फिर ये भी उम्मीद करते हैं, इनका कहना ये है कि स्मार्ट पीपल को मैं लेके उनको काम बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको लिया ही इसीलिए है कि फिर वो मुझे बताएं कि काम को कैसे करना है। तो इनका तो बिल्कुल व्यू ही चेंज हो गया है ना। तो बोथ हैव स्टडीड द सेम बुक, ओके, दे हैव लर्न्ड द सेम स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशंस, द पर्सनलाइज एप्लीकेशंस आर टोटली डिफरेंट। ओके, देन दिस पर्सन टीपी चिया, ये मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई लेजी पर्सन वाला, वो सूट करता है मेरे को और बहुत बच्चों को भी करता होगा, वो काफ़ी प्राइड, मतलब प्राउड आता है कि भाई हाँ हम कर सकते हैं, अच्छा हार्ड वर्क जो है हमारे काम का है। अब देखो इनका क्या कहना है ज़रा, ये कह रहे हैं लेजीनेस प्रोड्यूसेस बैड लक एंड फेलियर, लेजी पीपल आर ऑलवेज लूजर्स इन द लाइफ। अगर ये ऐसी बात है तो फिर इनसे तो ज़्यादा ही अचीव किया है, ये पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनसे तो ज़्यादा ही अच्छा किया है ना जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इनका तो व्यू अलग ही हो गया एकदम। तो यहाँ पे भी देखो, इनका मैनेजमेंट स्किल कुछ अलग बता रहा है, उनका कुछ अलग बता रहा है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इससे हमें समझ में आता है कि किस तरह से सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट के अंदर भी जो है पर्सनलाइज्ड व्यू है, ठीक है, अब हम इसको आगे समझ सकते हैं। तो इससे हमें प्रूव हो जाता है कि जो हमने सेकेंड वाला जो पढ़ा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये वाला ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर एक मैनेजर का अपना व्यू हो सकता है और उसको काम कराने का अपना अपना तरीका होगा, पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है सबका। तो ये हम लिखेंगे कि यस, ये प्रेजेंट है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर, हम लिखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। ये अब थर्ड आ जाता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आप ये देखिए, कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से बनते हैं? अब देखो, सबसे पहले हम आर्ट में करते हैं, आर्ट जो आर्टिस्टिक होते हैं, जो पर्सन के पास आर्ट होता है वो बार बार प्रैक्टिस करके और क्रिएटिवनेस दिखा के वो काम को करता है। किसी भी इंडिविजुअल को देख लीजिए, अगर उसके अंदर आर्ट है तो वो उसने बार बार प्रैक्टिस से सीखा होगा और वो काफ़ी क्रिएटिव होगा,
वो अपने काम को करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेता होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिएटिव मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होता है क्रिएटिव मैनेजमेंट। अब देखो, क्रिएटिव मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वेज। ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम कोई किसी भी प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। टू बी क्रिएटिव मैनेजर मीन्स दैट यू आर ओपन ट्राइंग न्यू थिंग्स। अगर आप क्रिएटिव मैनेजर हो तो आप नई नई चीज़ें सोचोगे और नए नए तरीके से उस काम को करोगे। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और काम को करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप देखो, जिन लोगों में आर्ट होता है और जिनके अंदर स्किल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, किसी भी काम को अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, बदलने से काम को करने के तरीके से घबराते नहीं हैं, और उनका एक अपना यूनिक वे होता है। ठीक है, तो पर्सनलाइज अगर हम देखें तो ये क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर है, अगर हम देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर हम प्रूव कर देते हैं कि ये क्रिएटिव है। तो मैनेजर जो है ये काफ़ी क्रिएटिव होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसमें कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये काफ़ी क्रिएटिव है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हम लिखेंगे यस प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि तीनों केसेस में प्रेजेंट है, पहले में भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी था। तो ओवरऑल हम अपना व्यू दे सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है, क्योंकि ये तो तीनों फीचर्स इसके साथ मैच कर गए। तो देखो यहाँ पे हम अपने कमेंट में लिख सकते हैं, आप नोट्स में बनाते समय लिख दीजिएगा कि इन मैनेजमेंट ऑल्सो अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर बुक्स इज यूज, मैंने कॉलेजेस में दिखाया आपको, एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन यूनिक स्टाइल। ये भी हमने फोटोग्राफ के हिसाब से समझा कि सबके अपने अपने स्टाइल थे काम को करने के। ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है और उसको इम्प्रूव करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अगर आप देखो क्रिएटिविटी में, अगर आप वैसे देखना चाहो तो तीनों जो हम लोगों ने देखे थे, जो जो बिजनेसमैन हैं, अगर आप देखो तो कितने क्रिएटिव थे। एक ने तो अपने एम्प्लॉई को ये बोला कि भाई लेज़ी को रखना चाहता है, दूसरा स्मार्ट को रखना चाहता है। तो ऐसा क्रिएटिविटी ही कहलाएगी कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को चेंज करके और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो मैनेजमेंट है इसको हम आर्ट कह सकते हैं। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं क्या? साइंस क्या है ये हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि साइंस जो है ये इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में आप देखो, इसका मतलब होता है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो मैं बोलूँगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। सिंपल कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या है, कोई भी चीज़ को जो घटती है उसका एक रीज़न होता है और उसका एक होने की वजह होती है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉज। साइंस की खास बात क्या है कि कोई भी जो रीज़न होगा कोई काम को होने का, उसका एक उसके पीछे वजह बताई जाती है और क्यों हुआ उसको प्रूव करना पड़ता है। तो यही साइंस है। क्या मैनेजमेंट में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है? वन बाई वन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट वाले फीचर पे और चेक करते हैं कि क्या वाकई में इसके अंदर भी वो खूबियाँ हैं। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज कह रहा है, साइंस एज अ सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और इसमें भी कह रहा है कि ये एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो हमें पता है ये है, इसमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ही होता है कॉज एंड इफेक्ट। तो अब आप देखो कॉज एंड इफेक्ट क्या है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स मूव क्विकली देयरफॉर वाटर बॉयल्स। तो देखो कॉज और इफेक्ट दोनों हैं, कह रहे हैं कि जब पानी गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं जब हीट होते हैं तो वो मूव करने लग जाते हैं क्विकली, इसीलिए पानी उबलना शुरू होता है। तो पानी उबलने की वजह यही होती है कि मॉलिक्यूल्स तेज़ी से भाग रहे होते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक है और इसका एक रीज़न भी है। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है? क्या मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आता है? तो अगर हम पीछे के एग्जांपल्स को देखें ध्यान से, तो वहाँ पे भी तो यही था कि हर एक के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताया। अगर आप देखो, मैं पीछे आपको ले जाता हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बोला इन्होंने, बिल गेट्स ने क्या कहा है, देखिए ये यही तो कह रहे हैं कि लेज़ी पीपल को ये हार्ड काम इसलिए देते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ निकालते हैं। तो ये इसकी वजह बता दी इन्होंने कि क्यों ऐसा करते हैं,
तो उन्होंने कॉज भी बता दिया और उसका इफेक्ट भी बता दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी देखते हैं, कह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स क्या कह रहे हैं कि जब वो इंटेलिजेंट पर्सन को ढूंढते हैं, स्मार्ट पीपल को ढूंढते हैं, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इनको खुद ही बता देंगे कि काम जो है इफेक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कॉज एंड इफेक्ट का, यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा समझना। बिल गेट्स ने कहा है कि आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्ज़ाम बट माई फ्रेंड पास इन ऑल, नाउ ही इज़ एन इंजीनियर एंड आई एम ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब इन्होंने कॉज भी बताए और उसका रीज़न भी बताया। एक बार इंटरव्यू में इन्होंने कहा था, जब इनसे पूछा जा रहा था, तो इनकी क्लास में जो टॉपर्स हुआ करते थे वो तो अच्छे नंबर लाए और वो इंजीनियर बन गए और अब ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो इन्होंने ये भी बताया कि मैंने क्या किया, उन्हीं लोगों को जो अपने आप को स्मार्ट समझते थे और खूब पढ़ाई करते थे मन से, मैंने उन्हीं को बुला के अपने कंपनी में ऑफर भी दिया और वो आज मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो एक तरह से इन्होंने क्या किया, कॉज और इफेक्ट बताया उसका, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर आप देखो हर चीज़ के पीछे एक, अगर आप देखो तो कॉज और उसका इफेक्ट का रिलेशन होता है। तो क्या यहाँ पे हम प्रूव कर पाए कि मैनेजमेंट में होता है? हमने सारे एग्जांपल्स में देखा कि कॉज एंड इफेक्ट है। मैनेजमेंट के अंदर हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट होने की वजह से मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। तो हम इस चीज़ से अग्री हो जाते हैं और ये प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं, देखते हैं क्या सेकेंड वाले में मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। देखो सेकेंड फीचर क्या कहता है, सेकेंड फीचर कहता है कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि मैनेजमेंट की खास बात क्या होती है कि ये एक्सपेरिमेंट पे टिका हुआ है, यानी कि मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पे है। अब आप देखो यहाँ पे क्या ये वाकई में ऐसा होता है, अगर आप देखो तो मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए मैनेजमेंट के, यानी कि सिद्धांत बनाया कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे हमें करने पे ये फ़ायदा होगा, तो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए हेनरी फेयोल हैं, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो आगे के चैप्टरों में, ठीक है। और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बहुत अच्छी से एक बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इसमें हेनरी फेयोल हैं, हेनरी फेयोल क्या है, इनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो बिजनेसमैन जो मैनेजर्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अगर आप देखो ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, पहले इन्होंने एक इंजीनियर और ट्रेनी मैनेजर के तौर पे काम किया और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे जो अंडरग्राउंड फायर्स लगते हैं ना बिल्डिंगों में या जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ इन्होंने स्टडी किए उसके कॉजेज की, क्यों ऐसा होता है, इसके को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और वहाँ पे लोगों के काम देखे किस तरह से मैनेजमेंट चल रहा है। और ये सब देखने के बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो कि हम लोग पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, लेकिन वही है कि कुछ लोग इनसे इत्तेफाक नहीं रखते तो कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते। तो ये जनरल गाइडलाइन है और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लोग इसको यूज़ करते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स आप देख रहे हो, 14 ही आप पढ़ने वाले हो, तो इनको क्या बोलेंगे हम, बेसिकली आज पढ़ लेते हैं कि फादर ऑफ मैनेजमेंट हैं और इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, तब जाके इसको इन्होंने बुक लिखी और तब जाके इसको फॉलो किया गया। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं यहाँ से क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट के अंदर ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हैं, बेस्ड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है और ऑब्जर्वेशन भी होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पूरी दुनिया इसको मानती नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ह्यूमन बींग से रिलेट करता है। नोट्स में ज़रूर लिखिएगा ये वाला पॉइंट कि ये ह्यूमन बींग को ऑब्जर्वेशन करता है। देखो साइंस की खास बात क्या है कि ह्यूमन बींग से रिलेट नहीं करता, लेकिन हमारे मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जितना भी पढ़ाई करते हैं ह्यूमन बींग को डील करते हैं। तो ह्यूमन के साथ अगर आप डील करोगे तो ह्यूमन बीइंग का तो कुछ भरोसा नहीं है। आज ह्यूमन बीइंग को आप मोटिवेट करने के लिए आज कुछ बोलोगे तो बड़ा खुश हो जाएगा वो और वो बड़ा मोटिवेट होकर काम करने लगेगा, लेकिन अगले दिन ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। सपोज़ करो मैं क्लास में अगर मैं पढ़ाता हूँ और किसी बच्चे को मैं बहुत ही ध्यान से देख रहा हूँ कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, मुझे पता चलता है कि वो उसने स्पोर्ट्स के बारे में सोच रखा है कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, ठीक है। तो अब उसका रीज़न तो मुझे पता चल गया, अब मैं मेरे पास एक तरीका है कि मैं उसे मोटिवेट करूँगा कि बेटा स्पोर्ट्स में भी जाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाएगी तो आपको एक स्कोप मिल जाएगा और आप अच्छा जा सकते हो आगे, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि 10-12 दिन 15 दिन खूब अच्छा पढ़े, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद भी पढ़ता रहेगा,
हो सकता है ह्यूमन बीइंग का कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता वो कुछ और ही उसके दिमाग में चले, कोई ऐसी इंस्टांस हो उसके साथ, कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जिसमें देखे कि एकदम अनपढ़ आदमी ने जो है वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, अगले दिन वो पढ़ना बंद कर देगा। तो ह्यूमन बीइंग के साथ हम 100% जो है ये प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करते। तो इसीलिए हम इसमें बोल सकते हैं, कहेंगे कि ये पूरी तरह से फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम इसको कहेंगे कि ये इन एग्जैक्ट साइंस है। क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस। यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इज़ इन एग्जैक्ट साइंस, नॉट कंप्लीट साइंस, नॉट कंप्लीट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, अगर हम साइंस की बात करें ना, तो साइंस पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, सब इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मैनेजमेंट में आते हैं, तो मैनेजमेंट में ये जनरल गाइडलाइन होते हैं, ये जो जितने आप प्रिंसिपल्स देखते हो ना मैनेजमेंट की, ये जनरल गाइडलाइन है, ये सिर्फ गाइड करते हैं कि मैनेजर को ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैनेजर क्या करेगा वो उसकी मर्जी है, हर मैनेजर अपने तरीके से सोचता है, ऊपर हमने अभी पढ़ा एग्जाम्पल में। तो इसीलिए आप देखोगे कि मैनेजमेंट जो है ये यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होते, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट में, दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कई लोग प्रिंस इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट मानते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे मैनेजर मिल जाएंगे जो इनको फॉलो नहीं करते, इनके कई प्रिंसिपल्स को कहेंगे नहीं ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बेकार है, हम नहीं मानते इसको, ठीक है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे इंस्टांसेस मिलेंगे, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि नहीं ये कम्प्लीटली नहीं फॉलो करता। तो दो तो इनकम्प्लीट हो गए और एक पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया, तो इसको हम इन एग्जैक्ट साइंस कहेंगे। तो अब ओवरऑल जब हम लिखेंगे इसमें, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, लेकिन साइंस की बात करो तो साइंस तो यूनिवर्सल है, और उसके पीछे मतलब उसको आप कोई मना नहीं कर सकता, वो एकदम फैक्चुअल है। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग से डील करने की वजह से लोग इसको जो है मानने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं सीधा, लास्ट पॉइंट कंक्लूजन क्या निकला कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एन एग्जैक्ट एंड प्योर साइंस, पूरी तरह से प्योर नहीं है। नहीं होने की वजह पता ही है आपको, पहला तो मैच कर गया, ठीक है, लेकिन दूसरा और तीसरा नहीं किया। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज वॉज अंडर दिस, साइंस वॉज प्रेजेंट, बट वेन इट केम टू सेकेंड एंड थर्ड फीचर, तो वो कम्प्लीटली उसको नहीं मानता। तो सो हम कह सकते हैं कि इट मे बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस, लिख लीजिएगा ये, द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स अ सोशल साइंस। तो इसीलिए ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये सोशल साइंस बन जाता है। तो हमने यही आज पढ़ा कि मैनेजमेंट के अंदर पूरी तरह से आर्ट है, क्योंकि उसके तीनों फीचर्स मैच कर गई, लेकिन जब मैनेजमेंट आया साइंस का, तो मैनेजमेंट जो साइंस है उसके एक फीचर तो बिल्कुल कम्प्लीटली मैच कर गई, लेकिन दो बाकी के जो दो फीचर्स हैं पूरी तरह से हम उससे अग्री नहीं करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है इज़ नॉट अ कम्प्लीट साइंस, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जब अगर आपको ये समझ में आ गया है, मैं चाहूँगा कि आपने जो ये वाला, ये आपको याद होगा मैंने बोला था ये मैनेजमेंट का कॉलेज है, अब आपको बताना है, आई एम लिविंग इट फॉर यू, ओके, यू हैव टू कमेंट वेदर इट इज़ इन विच स्टेट इट इज़ सिचुएटेड और इसका नाम क्या है, ओके, और अपना व्यू बताइए, आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट जो है आगे चल के साइंस हो सकता है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा इस पर, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप ज़रूर इस पर लिखोगे कि आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको लगता है कि मैनेजमेंट कम्प्लीटली साइंस हो जाएगा, क्योंकि आजकल कंपनियों का इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है पूरी दुनिया में, तो क्या ऐसा रियल में हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर इस पे कमेंट लिखिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपडेट्स आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी, कुलिक्स को भी आप इसके वीडियोस शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और कुछ उनको भी समझ में आए, ओके। तो आप इसके नोट्स बनाइए और तैयारी अच्छे से कीजिए।